वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 38 जो कि है 6 to 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आज की जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड। आपको पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रही है उसके रिलेटेड कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन हम देखेंगे। ये जो वर्कशीट है वो 18th of August की, तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और जिस टीचर के लिए आप ये लिख रहे हैं, जिस टीचर को आप सबमिट करेंगे उसका नाम। तो आइए चलते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर बहुत ही अच्छी दे रखी है, इसके अंदर कुछ वोकैबुलरी आप नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर है सिटिंग रूम। तो सिटिंग रूम वो रूम होता है जैसे कि आपका जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, सोफा हो गया, जहाँ पे टीवी लगाया जाता है, डेकोरेशन का सामान लगाया जाता है, ये वो वाला रूम होता है जहाँ पर गेस्ट आके बैठते हैं। इसके आगे हम अपने गेस्ट को नहीं लेके जाते अनलेस एंड अंटिल वो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, तो इसलिए उसको बोलते हैं सिटिंग रूम, जहाँ पे सिर्फ बैठने के लिए आप यूज करते हैं उसको। तो जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे आर्म चेयर है, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ जो बंदा है वो उसे आर्म चेयर कहते हैं। आर्म चेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दो आर्म्स हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और इसी तरीके से जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, दो से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, इस टाइप के चेयर को बोलते हैं सोफा। तो आपने देख ली यहाँ पे आर्म चेयर क्या कहते हैं और सोफे में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। ये तो आपको पता है न्यूज़पेपर क्या होता है। न्यूज़पेपर अगर आप ध्यान से देखें, न्यूज़पेपर में भी बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर डॉग की ही न्यूज़ दे रखी है, देख रहे हैं आप। चलो कोई बात नहीं, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। नेक्स्ट इसमें है आपका कैबिनेट। तो कैबिनेट वो जगह होती है, वो छोटी सी अलमारी टाइप होती है जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने, जहाँ पर आप कुछ सामान रखते हैं। तो नॉर्मली हम इसमें कुछ डेकोरेशन का सामान भी रख सकते हैं, या फिर आप रसोई में अगर कैबिनेट हो तो वहां पर बर्तन रख सकते हैं, तो कैबिनेट उसके लिए यूज होता है। कैबिन्स होते हैं बेसिकली, कैबिन्स हो गई थोड़ी सी स्पेस। तो टेलीविजन सेट, तो आपको पता है टेलीविजन क्या है, टीवी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीवी बोलते हैं। और साथ में हो गया रेडियो सेट, तो रेडियो इसके हाथ में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बड़ा अजीब सा बंदा है, देखते हैं अभी ये बंदा क्या है, क्या बंदा है आप जान सकते हैं इसको? यस, ही इज अ थीफ। तो थीफ कौन होता है? जो चोरी करता है। पता नहीं, बड़ी अजीब सी पिक्चर है, सब लोग अपने आप में बिजी हैं और थीफ आके अपने चोरी कर रहे हैं। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। नेक्स्ट है मास्क। मास्क होता है जो फेस के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उन्होंने आई मास्क लगा रखा है। नेक्स्ट है निट। निट हो गया सिलाई बुनाई। तो आप जैसे लेडीज के हाथ में देख रहे हैं यहाँ पर, जो मम्मी है कह सकते हैं यहाँ पर इन दो बच्चों की, वो निटिंग कर रही है। निटिंग क्या होती है? सिलाई बुनाई करना। जैसे आपके घर में भी मदर या ग्रैंड मदर या फादर भी हो सकते हैं, कोई भी निटिंग कर सकता है, जो सिलाई बुनाई के तरीके से स्वेटर बनाने का तरीका होता है उससे। स्टील, स्टील का मतलब चोरी करना। नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। तो आइए चलते हैं आगे, इन वर्ड्स की मदद से कुछ सेंटेंसेस बनाने का तरीका देखते हैं। पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए दिए हैं। तो यहाँ देखिए, आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये आपका पहला सेंटेंस बन गया। फिर आई डू नॉट नो हु इज देयर, आई डू नॉट नो वेयर द थीव्स आर, आई डू नॉट नो वेयर द विजिटर्स When the visitors came, तो ये आपके सेंटेंसेस इस तरीके से आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे जो दिए गए वर्ड्स हैं उनका यूज करके बीच में डू नॉट नो लिखना है और यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें, रमेश सुरेश प्लूरल हो गया, दो लोग। वी प्लूरल हो गया। द पीपल, पीपल हो गए बहुत सारे लोग, प्लूरल हो गया। प्लूरल जब भी होता है तो हम उसके आगे डू लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलेंगे आई तो प्लूरल नहीं है, अब आई हम इसलिए लगा सकते हैं, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन या प्लूरल के साथ डू लग सकता है, ये आपको यहाँ पर समझना है। आगे चलते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला ए पार्ट, तो पहला उन्होंने बोला है आर द टू चिल्ड्रन वॉचिंग द टेलीविजन। आप बताएं वॉच कर रहे थे क्या टेलीविजन? तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, यस द टू चिल्ड्रन आर वॉचिंग द टेलीविजन। तो
तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ऊपर जो वोकैबुलरी हमने पढ़ी है उसको आपने कोशिश करनी है ये वोकैबुलरी यूज करने की। आइए चलते हैं सेकंड की तरफ, चल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है वेयर आर दे, दे किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, चिल्ड्रन की। तो आप बताएं बच्चे कहाँ पर हैं, बच्चे हैं आपके सिटिंग रूम में। आपने अगर ध्यान हो आपने पढ़ा था वोकैबुलरी में, बच्चे कहाँ पर हैं, सिटिंग रूम में। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे दे आर इन द सिटिंग रूम इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। तो ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं, थर्ड आंसर हो गया हु इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। आप बताएं कौन बैठा है आर्म चेयर में, आई थिंक फादर फिगर है। तो इन्होंने बताया नहीं एग्जैक्टली कौन कौन है, तो हम इसको फादर की तरह मान रहे हैं, फादर इज सिटिंग इन द आर्म चेयर। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज द ओल्ड वुमेन डूइंग। तो आप बताएं क्या कर रही है ओल्ड वुमेन, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जरा एक बार देख ही लेते हैं ओल्ड वुमेन कर क्या रही है। ओल्ड वुमेन बैठी है सोफा में, तो ओल्ड वुमेन सोफा में बैठी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और क्या कर रही है वो, तो टीवी देख रही है साथ में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द ओल्ड वुमेन, मेक श्योर द ओल्ड वुमेन जरूर लिखें, द ओल्ड वुमेन इज सिटिंग ऑन द सोफा एंड वॉचिंग टेलीविजन। नेक्स्ट आ गया वेयर इज द डॉग। तो डॉग आपने ध्यान दिया होगा, डॉग कहाँ पर है, डॉग है फादर के साथ बैठा हुआ था साइड में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द डॉग इज सिटिंग ऑन द फ्लोर जस्ट नेक्स्ट टू द फादर। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है इज द कैबिनेट इन फ्रंट ऑफ द सोफा। ध्यान से देख के बताए क्या कैबिनेट सोफा के सामने है, आई डोंट थिंक सो कि वो सोफा के सामने है, वो सोफा के पीछे है। तो यहां पर हम लिख देंगे द कैबिनेट इज, देखो उन्होंने पूछा था इज, तो इज जब भी लिखा होता है तो हम या तो येस होगा या तो नो होगा, तो हम लिख देंगे नो द कैबिनेट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ द सोफा। तो ध्यान रखें येस या नो से क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था, तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू मैन वेयरिंग ऑन देम फेसेस। ये तो गलत है, देम की जगह पे हो जाता है देयर, ये गलती से उनसे टाइपिंग एरर हो गया, तो चिंता ना करें, व्हाट आर द टू मैन वेयरिंग ओवर देयर फेसेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर, क्या क्या पहना हुआ था उन्होंने, आई थिंक उन्होंने फेस मास्क पहना हुआ था, द टू मैन आर वेयरिंग मास्क ओवर देयर फेसेस। मास्क इसलिए बिकॉज हम दो बंदों की बात कर रहे हैं, टू मैन की बात कर रहे हैं, तो टू मैन की बात करी इसलिए हमने मास्क लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट इज वन मैन कैरिंग, क्या उस बंदे ने उठा रखा था। आई थिंक पिक्चर में उन्होंने जो दिखाया है, जो पहला बंदा है वो रेडियो उठा के भाग रहा है, तो रेडियो उठा के भाग रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वन ऑफ द मैन इज कैरिंग अ रेडियो ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट पे चलते हैं व्हाट इज द अदर मैन डूइंग, तो दूसरा बंदा है वो क्या कर रहा है। आई थिंक अदर मैन इज ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम द कैबिनेट, तो कैबिनेट से स्टील करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने ध्यान में होगा मैं वोकैबुलरी यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी अपने सेंटेंसेस में वोकैबुलरी यूज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाता है डू द पीपल इन द रूम नो वॉट इज हैपनिंग, मुझे तो लग नहीं रहा कि उनको पता है कि क्या हो रहा है रूम में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द पीपल इन द रूम डू नॉट नो वॉट इज हैपनिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की सेंटेंस बनाने में मजा आया होगा, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और इस चैनल को लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।